हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो गलवान घाटी में हुए क्लैशेस के कारण इंडिया चाइना को इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाने के लिए चाइनीज़ टेलीकॉम सेक्टर को बैन करने का विचार कर रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि गलवान घाटी में भारत की ओर से 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस कारण हमारे टेलीकॉम मंत्रालय ने चाइनीज़ टेलीकॉम सेक्टर्स को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। इस वजह से हमारे भारतीय दूरसंचार उपकरण विक्रेताओं के लिए एक अवसर के रूप में ये देखा जा रहा है। ये हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट चेयरमैन प्रोफेसर एनके गोयल ने कहा है कि भारत में चीनी मूल उपकरण निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जो भारत के सेल्फ डिपेंड रोड मैप को ध्यान में रखते हुए है। इंडियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने BSNL, MTNL और अन्य निजी कंपनियों को सभी चीनी सौदे और उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। इन कंपनियों को चाइनीज़ इक्विपमेंट से बचने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के निर्णय से उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 4G खरीद में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा सकती है। गलवान घाटी में हुए क्लैशेस की वजह से भारत और चीन के रिलेशंस बहुत हद तक ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से चीनी उत्पादों और ऐप्स का बहिष्कार किया जा रहा है। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है, जिसमें 450 तरह के सामानों को लिस्टेड किए गए हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स, बैग्स, टॉयज, फर्नीचर्स, फुटवेयर्स और वॉचेज़ हैं। CAIT ने कहा है कि इसका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को $13 बिलियन या लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए तक कम करना है। तो ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।